स्वागत है आपका शानदार मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में, जो मौजूद है मुमरा के खजरी रोड पर, जो आपकी स्पेशल दिन को और भी यादगार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 4000 मेहमानों की कैपेसिटी है। रिसेप्शन सीटिंग, डाइनिंग एरिया, साथ ही एम्पल ऑफ पार्किंग, स्पेशल स्टेज, बिग किचन, ड्रेसिंग रूम, साथ में प्रेयर रूम भी अवेलेबल है। मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में आप शादी, इवेंट फंक्शन, बर्थडे पार्टी, सोशल गैदरिंग और बहुत कुछ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। स्पेशल सर्विस के साथ मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग हॉल, जहां हर शादी एक कहानी बन जाती है। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सलमान खान से मिलने के लिए उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंच गए और सलमान खान के पिता सलीम खान से भी मुलाकात की। साथ ही महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सलमान खान को गले लगाते हुए भी नजर आए। घटना के बाद से ही सलमान खान के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। सीएम ने भी सलमान खान को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी, मगर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने सोमवार को गुजरात के भुज से गिरफ्तार कर लिया है और मंगलवार को दोपहर में मुंबई इन दोनों को लाया गया। खबरों के अनुसार आरोपियों की पहचान विक्की गुप्ता और सागरपाल के रूप में हुई है, जो बिहार के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 3 बार इन लोगों ने सलमान खान के घर की रेकी की थी और 5 राउंड फायरिंग की थी। हालांकि जिस पिस्तौल से इन लोगों ने फायरिंग की, बताया जा रहा है कि वो अभी रिकवर नहीं किया जा सका है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। 10 दिन की पुलिस रिमांड में इन दोनों आरोपियों को भेज दिया गया है। लेकिन सलमान खान के घर के बाहर जिस तरह से फायरिंग की गई थी, उसके बाद से ही लगातार ये पूरा मामला खबरों में बना रहा और सलमान खान के घर की जो है सुरक्षा भी अब बढ़ा दी गई है। Yes. Hey.